हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ मैं आज लाया हूं दोस्तों। आज आपको टाइटल और थंबनेल देख के तो पता चल गया होगा 125 ऐप जो इंडिया में लॉन्च होने वाला है, जो होने वाला है 220 ऐप एंड 180 की जेरोक्स कॉपी दोस्तों। सो फाइनली ये बाइक इंडिया में क्यों आ रहा है एंड इसकी डिमांड कितना रहने वाला है मार्केट पर, बाइक पर क्या क्या स्पेसिफिकेशन आपको दिख जाएगा, बाइक पर माइलेज कितना होने वाला है, बाइक की प्राइस क्या रहने वाला है, सब कुछ आपको वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। सो दोस्तों वीडियो के अंदर कुछ भी डिटेल्स मिस मत करना एंड जो जो 180F एंड 220F का फैन है उनके साथ ये वीडियो शेयर होना चाहिए। सो दोस्तों मिलते हैं वीडियो के अंदर एंड वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं वीडियो के अंदर। सो फाइनली इंडिया में 125F बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है एंड ये बाइक इंडिया में क्यों आ रहा है दोस्तों, आपको पता ही होगा 125F जो नियॉन था एंड 125 जो स्प्लिट शीट वर्सन था, ये दोनों बाइक जो मार्केट पर काफी सारा बिक गया एंड काफी डिमांड है। 125 अगर आता एफ मॉडल के रूप में तो काफी लोग इसको ले सकता था क्योंकि 180 एंड 220F के प्राइस थोड़ी सी हाई है। इस बात को नजर रखते हुए जो पल्सर 220F लवर है एंड 180 लवर है उन लोगों के लिए 125F आने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसके प्राइस बहुत ही कम होने वाला है एंड इस बाइक पर क्या क्या स्पेसिफिकेशन होने वाला है वो तो आपको वीडियो के अंदर पता चल ही जाएगा। जैसे कि इस बाइक की इंजन होने वाला है 124.5 सीसी एंड मैक्सिमम पावर की अगर बात की जाए तो आपको यहाँ पर 11.64 bhp की पावर देखने को मिल जाता है एंड मैक्सिमम टॉर्क की अगर बात की जाए तो आपको यहाँ पर 10.8 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलने वाला है 8000 आरपीएम के साथ एंड आपको इस बाइक पर फ्यूल टैंक मिलने वाला है दोस्तों 15 लीटर की, यानी कि आप लोग समझ सकते हो आपको 220F 180F 150 पर जो फ्यूल टैंक आता है वही आपको यहाँ पर भी फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा एंड फ्रंट की अगर बात करें तो आपको फ्रंट पर जो है 260mm की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा जो आएगा आपको 17 इंचेस एलो व्हील के साथ एंड टायर की अगर बात करें तो फ्रंट पर आपको 90x90 सेक्शन की MRF की टायर देखने को मिल जाएगा। रियर पर आपको ड्रम एंड डिस्क दोनों के ऑप्शन मिल जाते हैं, आप चाहो तो ड्रम ब्रेक ले सकते हो या फिर डिस्क ब्रेक ले सकते हो। अगर ड्रम ब्रेक लेते हो तो 130mm का ड्रम ब्रेक मिल जाएगा एंड डिस्क ब्रेक अगर आप लेते हो तो 230mm के डिस्प्ले आपको मिल जाएगा। बाइक पर आपको सिंगल चाइल्ड ABS देखने को मिल सकते हैं या पर नहीं भी मिल सकते हैं दोस्तों और बाइक पर FIB देखने को मिल जाएगा, इसलिए बाइक की जो माइलेज होने वाला है दोस्तों वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। आप सोच लीजिए सिटी के अंदर आपको माइलेज मिलने वाला है 48 से 50 तक एंड आप अगर बाइक को हाईवे पे ले जाते हो तो आपको हाईवे पे बाइक की माइलेज मिल जाएगा दोस्तों 52 से 55 तक। माइलेज के मामले में आपको कोई भी शिकायत नहीं रहेगा इस बाइक पर एंड बाइक पर आपको कोई भी ऑयल कूलिंग देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, आपको यहाँ पर एयर कूल देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों इस 125 पल्सर एफ की अगर टोटल वेट की बात की जाए तो आपको यहाँ पर 145 से 148 तक जो है लगभग वेट देखने को मिल जाएगा, जो अभी तक जो खुलासा नहीं हुआ, मुझे लगता है कि 148 तक जो है वेट हो सकता है। एंड इसके अगर हेडलैम्प की बात की जाए तो आपको वही पुराना वाला हैलोजिन हेडलैम्प मिल रहा है एंड इंडिकेटर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको वही हैलोजिन इंडिकेटर्स 4 इंडिकेटर्स जो हैलोजिन में ही आपको मिलेगा दोस्तों एंड टेल लैम्प आपको LED के साथ ही आएगा एंड वही आपको पुराना वाला फेयरिंग के साथ ही बाइक आपको नजर आएगा। आपको 220F एंड 180F पर जो भी मीटर मिल जाता है वही स्पीडोमीटर आपको 125F पर भी देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों बाइक के अगर कंफर्ट की बात करें तो आपको यहाँ पर फ्रंट पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा एंड रियर पर आपको गैस चर्च शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिल जाएगा जो एडजस्टेबल रहेगा दोस्तों। और दोस्तों इस बाइक की अगर स्टार्टिंग की बात की जाए तो आपको यहाँ पर सेल्फ एंड किक दोनों के ऑप्शन मिल रहा है जो कि काफी अच्छा है दोस्तों एंड इस बाइक पर आपको स्प्लिट शीट के ऑप्शन भी मिल जाएगा। एंड दोस्तों इस बाइक के अगर कलर की बात किया जाता आपको यहाँ पर ग्रे विथ ऑरेंज एंड ग्रे विथ नियॉन एंड ब्लैक विथ रेड कलर देखने को मिल जाएगा जो कि काफी अट्रैक्टिव होने वाला है। एंड फाइनली इस बाइक की अगर ऑन रोड प्राइस के बारे में बात की जाए तो आपको इस बाइक पर ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाएगा 1,20,000 से लेकर 1,22,000 रुपीज के आसपास दोस्तों। सो बजाज पल्सर 125F के बारे में जो भी डिटेल्स था मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, जैसे इसके प्राइस, इसके माइलेज, इसके स्पेसिफिकेशन क्या क्या था, सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर बता दिया। आपको बस वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना है एंड चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक आप अच्छे से रहना, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।